आप कब तक उसके इंतजार में टहलते रहेंगे? पार्वती, मेरी समझ में नहीं आता वो आदमी अब तक आया क्यों नहीं। झूठ की जबान होती है बाबा, पाव नहीं होते। मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ किसी ने बेहुदा मजाक किया है। नहीं बेटी, मेरा दिल कहता है कि फिर वो आदमी एक नंबर का धोखेबाज होगा, जो शायद आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आपसे रुपए ऐंठना चाहता हो। फिर बाद में किसी और वजह से उसने अपना इरादा बदल लिया हो। नहीं बेटे, उसकी आवाज में सच्चाई थी। बेटे की जुदाई के अलावा जो बरसों इसने अपने दिल में दबा रखा था, अचानक वो फटकर बाहर आ गया। बूढ़ा वसीयत बनाने से पहले मर गया तो उसकी मौत का मुझे इतना दुख होगा जितना अपने सगे बाप के मरने पर भी नहीं हुआ था। बच्चा पलटी, मुर्गा आ रहा है। जो बताया था समझ गए ना? गुड़ गुड़, अभी आया। अरे माल डाला रे, हाय गरीब को माल डाला, हाय हाय, कोई है गरीब की सुनने वाला? मर गया गरीब, अरे माल डाला। भाई साहब, ओ भाई साहब, कहीं चोट तो नहीं लगी? अबे अंधा हो गया क्या? सर से लेकर पांव तक जख्मी हो चुका हूँ और पूछ रहा कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे हाय मेरी माँ, मैं मर गया। नहीं नहीं बच्चा, लोग पुलिस को मत बुलाओ, मत बुलाओ। वैसे भी शक्ल से इतने शरीफ लोग लगते हैं, पुलिस आ जाएगी तो इनसे बहुत लंबा तोड़ पानी कर लेगी ना। सेठ जी, सेठ जी, आप मुझे कुछ दवा पानी के पैसे दे दीजिए। सेठ जी से क्या बात करता है, मुझसे बात कर। साला सूट पहन लिया तो ड्राइवर से मालिक बन गया क्या? ड्राइवर का बच्चा ड्राइवर है, ड्राइवर ही रहेगा। और वैसे भी ऐसे भाड़े के सूट मैंने बहुत पहन लिया, ड्राइवर की औलाद। सेठ जी, अगर मैं गरीब ना होता तो आपसे कभी अस्पताल का खर्चा भी नहीं मांगता। चले 100 रुपए ले, चल। अबे हट, भिखारी समझ रखा है क्या? 100 रुपए में तो डॉक्टर जख्मी को हाथ भी नहीं लगाता है। सेठ जी, मुझे कम से कम 1000 रुपए तो दे दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये लो 1000 रुपए भैया। सेठ जी, अरे तुम चुप रहो ना, ये लो 1000 रुपया, चलो चलो चलो। ये लो बच्चो, ऐश करो, चॉकलेट खाओ। हमें 1 रुपया, खुद 1000 रुपया। अबे दूंगा 1, तुम लोगों ने किया ही क्या है, खाली बकरों की तरह चिल्लाए खून खून। जान तो खतरे में मैंने डाली, कहीं पैंतरा उल्टा सुल्टा पड़ जाता तो लेने के देने पड़ जाते, पूरी की पूरी गाड़ी मुझ पर चढ़ जाती और तुम लोग बात कर रहे हो। बात तो सही कह रहे हो भैया, अब आप ही समझाओ ना इन बच्चों को। मैं भी भागता हूँ। अरे तुम कहाँ खिसक रहे हो, पुलिस स्टेशन नहीं चलोगे बेटे? नहीं सेठ जी, आप ये पैसे वापस रख लीजिए, आप तो मेरे भी बाप निकले। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, लेकिन हाँ तुम्हें तुम्हारे बाप से जरूर मिलवा सकता हूँ, अच्छी एक्टिंग करते हो, आओ मेरे साथ। कहाँ? अरे आओ ना बेटे, अरे आओ ना। ले जा रहा हूँ, मैंने तो पैसे नहीं वापस कर दिए। लेकिन हीरा, मैं कैसे यकीन कर लूँ कि ये मेरा बेटा है? बापू, मैं आप ही का बेटा हूँ। रो मत रो मत, मैं बताता हूँ। सेठ जी, आपका हीरा कोई ऐसा वैसा खिलाड़ी नहीं है, बहुत ठोक बजा कर लाया हूँ इसे। बादशाह बेचारा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले आपके बेटे को मुझसे मिलाने का नेक काम कर गया। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। बेटा दिखाओ अपने पिताजी को। क्या निशानी, निशानी? हाँ हाँ। ये देखिए सेठ जी, क्या ये वही लॉकेट नहीं जो आज से 20 साल पहले आपने अपने हाथों से अपने बेटे के गले में डाला था? पार्वती, ओ पार्वती जी। देख पार्वती, 20 साल बाद हमारा खोया हुआ बेटा मिल गया। ये हमारा मुन्ना है। हाँ। क्या? मैं ही तुम्हारा बदनसीब मुन्ना हूँ। बेटा, मेरा बेटा, कहाँ था तू इतने दिन? बंबई की झोपड़पट्टियों में और किस हाल में था ये मत पूछेगा। बेटे, पिताजी, बेटे, बेटे। अरे ये क्या कर रहे है? तू रो रहे? नहीं बेटे, आज के दिन नहीं रोते, आज तो खुशी का दिन है। रोने दीजिए पिताजी, रोने दीजिए, आज तक तो मैं सिर्फ दुख में रोता आया, आज पहली बार खुशी में रोने का मौका मिला मुझे, रोने दीजिए ना। नहीं, 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 नहीं। बस कर बेटे, बस कर, बस कर, बस कर। अरे कैसे बस करूं, तुम अपने असली माँ बाप से मिलते तो तुम्हें पता चलता। बेटा चल, मैं तुझे तेरा कमरा दिखा दूं, चल। तू फिक्र मत कर माँ, मैं अपना कमरा खुद ढूंढ लूंगा। अच्छा बेटा। धन्यवाद हीरा, धन्यवाद पार्वती बहन, शुक्रिया।
लाइला मेरी तो लाइफ बन गई, चल पड़ी मेरी तो निकल पड़ी। वाह हीरा अंकल क्या कमाल की जगह ले आओ मुझे, या तो रोज फ्री में बायोस्कोप भी देखने को मिलेगा, अच्छा टाइम पास भी हो जाएगा। आगे हाँ और थोड़ा ऊपर, वाह वाह हाँ हाँ करेक्ट एकदम ऐसे। हाँ बेबी अरे अंकल आपने तो मेरी जिंदगी बना दी, आपने मेरी लाइफ बना दी। अंकल फिर से ना मुझे एक बार पीछे लात मारिए ताकि फिर से मैं अपने मंजिल तक पहुंच सकूं। अंकल बहुत जबरदस्त माल है ये, वैसे पटाखा है कौन? मेरी बेटी है। हाई आपकी बेटी? अरे बबूल के पेड़ पर फूल कैसे उगाए? क्या कहा? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। पापा आज तो हमारे घर में कोई पार्टी नहीं है, तो ये यहाँ कैसे आ गया? आया नहीं हूँ मेम साहब, लाया गया हूँ ताकि मैं सारी जायदाद का इकलौता वारिस बनूं। क्या? हाँ कामिनी, अपने सेठ जी का खोया हुआ बेटा है। सच? हाँ बिल्कुल सच कामिनी। लेकिन क्या है कि जिंदगी भर फुटपाथ पे रहा है ना, इसे थोड़ा बदतमीज हो गया। चलो एक बात कान खोल कर सुन ले, दोबारा कभी मेरी बेटी की तरह आंख उठाकर देखा तो आंख निकाल कर हाथ में दे दूंगा। मेरी आंखें आपके कोट के बटन की तरह नहीं है जिसे आप जब चाहें निकाल लें। नकली बेटा बनाकर लाए हैं तो असली बेटे की तरह जरा राज करने दीजिए। बार बार धमकी दोगे तो पोल खोल दूंगा, समझे? और हाँ एक दर्जन पान मेरे रूम में भिजवा देना। लगता है मैंने कुत्ते को घी पिला दिया। अबे चल बाहर निकल। अरे मुझे मत मारो। अंधा हो गया क्या? अरे अरे मारना मत मैं हूँ सलीम। सलीम? अबे सलीम तू? और इस गाड़ी में? ये गाड़ी कहाँ से मारी? अरे मारी नहीं, ये गाड़ी मेरी है। क्या? हाँ ये सब तकदीर का चक्कर है मेरे दोस्त। साले तेरी तकदीर तो पैदा होते ही फूट गई थी, तू स्मगलिंग तो नहीं करने लगा? स्मगलिंग नहीं लेकिन एक्टिंग जरूर करने लगा हूँ। एक मिस्टर हीरा ने मुझे एक करोड़पति सेठ का नकली बेटा बना दिया। उस सेठ का बेटा बचपन में खो गया था, वही बेटा बनाकर हीरा ने मुझे उसके सामने खड़ा कर दिया। वैसे शिवा मुझे तो लगता उनके असली बेटे को हीरा ने ही गायब किया। खैर अपना क्या लेना देना, अपने को तो अच्छा खाना मिलता है, अच्छे कपड़े मिलते हैं और घूमने के लिए इतनी बढ़िया गाड़ी मिलती है और रहने के लिए काली कोठरी भी मिलेगी। अबे तू इस हीरा को नहीं जानता, एक नंबर का हरामी है ये। जो तू सूट पहनकर आया ना कुछ रहने नहीं वाला, सिर्फ चड्डी रह जाएगी। अरे तो फिर तू मुझे कहाँ जानता है, मैं तो हीरा की चड्डी तक उतार दूंगा। अरे जाता कहाँ है, आज तो मेरी जैकपॉट लग गई है, चलता माल वाल उड़ाने उस जन्नत में। अबे साले तू नहीं सुधरेगा। आइए हुजूर आइए तशरीफ लाइए, हसीनों का मेला। हेलो मौसी। अरे सलीम ये तू है? ओह यस मौसी, दिस सलीम लकम स्टार चेंज। क्या 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 बोला रे? इसका मतलब ये है कि आजकल तुम्हारे सलीम का किस्मत का सितारा बदल गया। अरे ये लो मौसी पैसे, चलो चले लड़के। एक मिनट पारो कहाँ है? क्या बात? खबरदार हाथ मत लगाना। हाथ नहीं तो क्या मुंह लगाऊं? शिवा 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 मौसी ने पारू को बेच दिया। तो मैं क्या करूं? अरे कुछ कर उसे बचा ले वरना वो लोग उसकी इज्जत नीलाम कर देंगे। अरे मैंने क्या उसकी इज्जत का ठेका लिया जो उसे बचाने जाऊं? शिवा क्या हो गया तुझे, आज तू कैसी बातें कर रहा है? कैसी बात का मतलब? अरे ना तो वो द्रौपदी नामक कृष्ण जो उसकी इज्जत बचाऊं, जा मेरा भेजा मत खा। एक मिनट शिवा, अच्छा हुआ आज मेरी आंखों के सामने से गलत फहमी का पर्दा हटा दिया तूने। अरे तू क्या जाने इज्जत क्या होती है, आज तक तूने लोगों को बेइज्जत ही किया है। माफ करना पारो, ये हीरों के व्यापारी हैं, इसलिए हीरे को करीब से देखने की इनकी आदत है। शिवा ये कपड़ा जो तू अपने सर पर बांधता है ना, जिसे तू अपना कफन कहता है, अरे जिस दिन तू मरेगा ये कफन तेरी लाश को जरूर ढाक देगा लेकिन तेरे गुनाहों को कभी नहीं ढाक पाएगा। औरत की इज्जत बचाने से बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं है शिवा। अगर मुझे पुण्य नहीं पैसा कमाना है तो फिर दुनिया सच कहती थी कि तू नहीं अपनी माँ का खून। सलीम हाँ, तुझे पैसे कमाने का बहुत शौक है ना,
शायद किसी ने तुझे पैसे दिए होंगे अपनी ही मां का खून करने। सलीम, मैंने अपनी मां का खून किया है? कोई बेटा अपनी मां का खून कर सकता है? कोई बेटा अपनी मां का खून कर सकता है? मार लिया। अगर तू नहीं मारेगा अपने दोस्त को तो कौन मारेगा? चल आज थूक दे दुनिया की जुबान पर, बचा ले एक औरत की इज्जत को। अरे दुनिया माने या ना माने, तेरा यह सलीम जरूर मानेगा कि तू अपनी मां का कातिल नहीं है। कौन है? शाबाश दल्ले, तुम मार खा रहा है। अच्छा एक बात बता, ये पैसे तेरे हैं? हरामजादे, तू आदमी है या जानवर है? मैंने तुझसे कहा था कि मेहमानों को खुश करना है, इसका मतलब यह नहीं कि जबरदस्ती। जब पारो जी धंधा नहीं करना चाहती तो इन्हें उठाने की क्या जरूरत थी? केवा, मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूं। वैसे भी तुम इनके किए की सजा तो दे ही चुके हो। तीन बेहोश हैं और ये सारा बेहोश होने वाला है। अब उल्लू के पट्टे माफी मांग। मुझे माफ कर दो शिवा। माफ कर दो, ताला बेहोश हो गया शिवा। अंदर आओ। पानी पी लो। गले नहीं लगोगे?